सभी छात्रों को आचार्य इंद्र शास्त्री जी की तरफ से नमस्ते। आज हम सभी पुनः अपने प्रिय चैनल O2N एजुकेशन पर पुनः उपस्थित हुए। सभी ने बड़े ध्यान पूर्वक हमारी पिछली वीडियो को देखा है। हमारा विषय है हिंदी और संस्कृत। आपने पहले भी संस्कृत के विषय में कुछ वीडियो को देखा था, पढ़ा था, सुना था, तो आज पुनः हम उसी संस्कृत भाषा में संस्कृत के साधारण धातु रूपों को, यानी कि जो धातु रूप किसे कहते हैं, धातु रूप कहते हैं क्रिया के लिए, धातु बोलते हैं क्रिया के लिए। जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं क्रिया वर्ब, हिंदी में क्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं, ऐसे ही संस्कृत में धातु बोलते हैं। और धातुओं के बिना हम कोई भी वाक्य पूरा नहीं कर सकते, बिना क्रिया के कार्य पूरा नहीं हो सकता है, बिना कर्ता के कार्य नहीं हो सकता है। क्रिया तभी होगा, तभी होगी जब कर्ता होगा कार्य करने वाला। अब हमने यहाँ पर इससे पहले आपको जो वीडियो पढ़ाई थी उसमें हमने सबसे पहले पढ़ाया था लट लकार, जो कि वर्तमान काल होता है। दूसरा था लंग लकार, जिसका अर्थ होता है भूतकाल। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं लिरिट लकार, जिसे बोलते हैं भविष्य का। भविष्य काल की पहचान आप जैसे पहले ही पढ़ते थे, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, वो वर्तमान काल है। जो कार्य हमने पीछे किया था, कल किया था, उसे हम भूतकाल कहते हैं। लेकिन जो अगला कदम उठाते हैं, यानी कि अगला जो कार्य करेंगे, यानी कि गागेगी शब्द आता है, उसकी हम पहचान करते हैं भविष्य काल से। ऐसे ही यहाँ हम जो भी आपको क्रियाओं का रूप बताएंगे, धातुओं का रूप बताएंगे, उनका अर्थ जो मीनिंग है वो भविष्य काल का अर्थ ज्ञान कराएंगे। तो आइए हम सब मिलकर के पुनः इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आप भी, आशा करता हूं कि जैसे मैं आज अपने टॉपिक को, यानी कि प्रकरण को, लिरिट लकार को आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, आशा करता हूं कि आप भी एक दूसरे मित्रों को इसको आगे शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए हम सब मिलकर के आज धातु रूपों में लिरिट लकार को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? लिरिट लकार को। किस भाषा में पढ़ते हैं हम? संस्कृत में। लेकिन कौन कौन सी कक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? ये कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8, और इससे ऊपर भी यदि आप कोई पढ़ना चाहता है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आइए तो हम सब मिलकर के यहाँ पर पढ़ते हैं लिरिट लकार। कौन सा लकार है हमारा? लिरिट लकार। क्या है? लिरिट लकार। अब आपसे प्रश्न पूछेंगे हम कि लिरिट लकार कौन सा काल है? भविष्य काल। कौन सा काल है? भविष्य काल। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? भविष्य को फ्यूचर। क्या बोलते हैं? फ्यूचर का, ठीक है, फ्यूचर टेंस। अच्छा जी, इसके बाद आपसे फिर प्रश्न पूछते हैं कि इसमें जब हम टेबल बनाते हैं, इसकी एक वर्ग बनाएंगे, तो उसमें हमें सबसे पहले वचन और पुरुष की जानकारी होनी चाहिए। वचन हमारे होते हैं कितने? 3। सबसे पहले बनाने का तरीका बता देता हूं आपको। तो यहां पर आ जाएगा एक वचन, दूसरा है द्विवचन, और ये है बहुवचन। कौन सा? बहुवचन। ठीक है, कितने वचन होते हैं संस्कृत में? 3 वचन होते हैं। कितने होते हैं? 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी तरह से आप इधर बनाएंगे आप पुरुष। पुरुष कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। कितने होते हैं पुरुष? पहला है प्रथम। कौन सा है? प्रथम पुरुष। दूसरा है मैं से मध्यम, ठीक है, पुरुष। और तीसरा है उत्तम पुरुष। इनकी मैंने आपको पहले भी परिभाषा बताई थी कि एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन, और दो से अधिक जो संख्या होती है उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ऐसे यहां पर पुरुषों में क्या है? पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष,
प्रथम पुरुष से पहला यानी कि सहतौते ये इसमें आते हैं जो कार्य करने वाला होता है। मध्यम पुरुष एक सुनने वाला और एक कहने वाला, ये इन दो बीच दो व्यक्तियों के बीच वार्ता होती है, चर्चा होती है। लेकिन जो तीसरा है वो है अन्य पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष सामने वाला और प्रथम पुरुष होता है जिसके विषय में चर्चा की जाती है। अब हमारे यहाँ पर लिरिट लकार है। कौन सा लकार है? लिरिट लकार। धातु हमने ले ली, चलिए पहले सबसे पहले बना लेते हैं क्या इसका संक्षिप्तीकरण करते हैं। स्यति क्या है? स्यति उसमें हमने जब लट लकार में पढ़ा था ती त अंति आ रहा था, इसमें क्या आएगा? स्यति स्यतः स्यन्ति, कुछ नहीं है, केवल से जोड़ दिया गया, बाकी सब वही है जो आपने लट लकार में पढ़ा था। स्यति स्यतः स्यन्ति, पहले आप प्रथम पुरुष को पढ़िए, ठीक है? इसी के आधार पर और भी हम यहां पर नए धातु रूप बना सकते हैं, जैसे पठी प्लस्यति तो क्या हो जाएगा? पठिष्यति, ठीक है? पठ धातु है, कौन सी हमारी यहां पर? पठ धातु ले लीजिए। पठ माने क्या होता है? पढ़ना। पठ माने क्या होता है? पढ़ना, ठीक है? पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, ठीक है? कौन सा है? पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। हस्ता ले लीजिए, हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति। और खाद माने खाना, खादिष्यति खादिष्यतः खादिष्यन्ति। नृत्य नर्तिष्यति नर्तिष्यतः नर्तिष्यन्ति। और चल का ले लीजिए, चल माने चलना होता है, चल स्यति चलिष्यति चलिष्यतः चलिष्यन्ति, ठीक है? यानी कि इस तरह से आप यहां पर और भी रूप बना सकते हैं, ठीक है? जैसे चल प्लस इष्यति चलिष्यति, ठीक है? खाद खादि खादिष्यति, ठीक है? हसिष्यति हसिष्यति, ओके। इसी तरह से हम और भी शब्द यानी कि धातु रूप बना सकते हैं। ये क्या है? चल माने होती है धातु यानी क्रिया होती है। इसका क्या है? ये इसका प्रत्यय है, ठीक है? क्या है ये? प्रत्यय। तिप्तस जी सिप्तस था आमी आवा आम, यानी कि यहां पर क्या है? तिप तस्त, ठीक है? इस तरह से आपके यहां पर लिरिट लकार में आप रूप बनाएंगे। और अब हम कौन सा बना रहे थे? लिरिट लकार भविष्य का, लिरिट लकार भविष्य का, ठीक है? यहां पठ है इष्यति, क्या बन जाएगा? पठिष्यति, ठीक है? पठिष्यति पठिष्य पठिष्यथ, ठीक? पठिष्यतः क्या आएगा? पठिष्यतः, पठिष्यन्ति पठिष्यन्ति। यह हो गया आपका कौन से में? प्रथम पुरुष में। अब इसमें आएगा जैसे उसमें पढ़ा था ती त अंति सी, ठीक है? तो यहां पर पठिष्यसि पठिष्यसि पठिष्यथ क्या है? पठिष्यथ पठि पठिष्यथ। यहां दो विसर्ग हैं, यहां पर विसर्ग नहीं है। अब है पठिष्यामि पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, पठिष्यावः
पठेश स्यावह, हम दो पढ़ेंगे, और यहां पर क्या आ जाएगा पठे श्यामह, क्या आ जाएगा पठे श्यामह, यानी कि वह पढ़ेगा सह पठिष्यति, वह खाएगा सह खादिष्यति। ठीक है, तो यहां पर एक के लिए रामः, राम पढ़ेगा रामः पठिष्यति, सोहन पढ़ेगा सोहनः पठिष्यति, वे दो पढ़ेंगे ते पठिष्यत, ते यानी कि तौ पठिष्यत, तौ पठिष्यत यानी कि द्विवचन में है तो दो के लिए, ते पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगे, राम लखन और सोहन पढ़ते हैं तो रामः लखनः पठिष, यानी कि यहाँ बहुवचन क्रिया आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी बहुवचन की क्रिया आ जाएगी, जब कार्य करने वाले अधिक होंगे तो क्रिया भी बहुवचन में होगी, और दो होंगे तो क्रिया द्विवचन की होगी, एक होगा तो क्रिया एकवचन होगी, ऐसे ही तू पढ़ता है त्वम पठिष्यसि, तू पढ़ता है त्वम पठिष्यसि, तुम दो पढ़ते हो युवाम पठिष्यत, युवाम पठिष्यत, तो तुम सब पढ़ते हो यूयम पठिष्यत, यूयम पठिष्यत, मैं पढ़ता हूं मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा तू पढ़ेगा तुम दो पढ़ोगे तुम सब पढ़ो पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर ऐसे ही मैं पढ़ूंगा अहम पठिष्यामि, हम दो पढ़ेंगे अहम वयम सॉरी अहम पठिष्यामि, हम दो पढ़ेंगे अवम पठिष्यावा, और हम सब पढ़ेंगे वयम पठिष्यामः, वयम पठिष्यामः। इसी तरह से आप अनेक बना सकते हैं, जैसे चल का ले लीजिए चलिष्यति चलिष्यतः चलिष्यन्ति चलिष्यसि चलिष्यतः चलिष्यतः चलिष्यामि चलिष्यावः चलिष्यामः। हस माने होता है हंसना, हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति हसिष्यसि हसिष्यतः हसिष्यतः हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः। क्या है पठिष्यति पठिष्यत, बिल्कुल वही है जो आपने एक बार एक को पढ़ लिया तो आप दस धातु रूप ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने आज लिरिट लकार को पढ़ा, और लिरिट लकार का मतलब होता है भविष्य काल, और भविष्य काल की पहचान मैंने आपको भी बताई थी, जब वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो गागेगी यानी कि राम पढ़ेगा तो गा की आगे नहीं पहचान, तो यानी कि भविष्य काल की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी गा ये आता है, तो वहां पर भविष्य काल की पहचान हो जाती जब आपको अनुवाद मिलेगा। ठीक है, तो राम पढ़ेगा तो उससे पहचान कर लोगे कि ये कौन सा लकार का है वाक्य, तो वहां कौन सा लकार हमें प्रयोग करना है। तू पढ़ेगा त्वं पठिष्यसि, तू हसेगा त्वं पठि हसिष्यति। ठीक है, और मैं खाऊंगा अहम खादिष्यामि, तू खाएगा त्वं खादिष्यसि, हम दो खाएंगे आवाम खादिष्यावः, हम दो खाएंगे आवाम खादिष्यावः, हम सब खाएंगे वयम खादिष्यामः, वयम खादिष्यामः। इस तरह से आपने आज यहां पर लिट लकार का प्रयोग पढ़ा। अब हम आपको क्या है थोड़े से अनुवाद बनाते हैं, जैसे रामः राम पुस्तक पुस्तक पढ़ेगा, क्या है आप पहचान कर लीजिए इसमें क्या है, ये अनुवाद, क्या है अनुवाद, किस काल के हैं लिरिट लकार, कौन से लिरिट लकार से लिरिट लकार। ठीक है, तो यहां पर राम पुस्तक पढ़ेगा तो वाक्य आ जाएगा संस्कृत में, संस्कृत में आएगा रामः रामः पुस्तकम पुस्तकम पठिष्यति पठिष्य पठिष्यति पठिष्यति पढ़ेगा। ठीक है, दूसरा है मैं भोजन खाऊंगा, मैं भोजन खाऊंगा, इसका आएगा अहम माने क्या होता है मैं, अहम भोजनम भोजनम
खादिष्यामि, क्या आएगा खादिष्यामि, क्लियर। तो इस तरह से आप यहां पर क्या करते हैं, वाक्य को आप प्रयोग करते हैं, अनुवाद बनाते हैं। जैसे आएगा वहां पर राम पुस्तक पढ़ेगा, राम पुस्तकम पठिष्यति, मैं भोजन खाऊंगा तो मैं अहम भोजनम खादिष्यामि, वे सब यानी कि तू पढ़ेगा, तू चलेगा, क्या आएगा इसका, तो आ जाएगा इसका त्वम, क्या आएगा त्वम माने तो हो जाएगा चलिष्यसि, चलिष्यसि, ठीक है। तो इस तरह से आप विरुद्ध लकार का प्रयोग करना समझ गए, और यहां पर आपने विरुद्ध लकार भविष्य काल को देखा कि इसके जो संक्षिप्त रूप है इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, इष्यति इष्यतः इष्यतः, इष्यामि इष्यावा इष्यामः, मूल धातु कोई भी हो लेकिन लिट लकार में यही जुड़ेगा, इष्यति हसिष्यति खादिष्यति लेखिष्यति, स्यति जोड़ना है, क्या जोड़ना है, स्यति जोड़ना है, ठीक है। कोई भी आपका रूप कठिन नहीं हो सकता है। तो यहां पर आपने आज लिट लकार को बड़े ध्यान पूर्वक सुना है, और इसमें मैंने पहले बताया था जब भी आप समझ पाएंगे जब इनके जो पुरुष कितने हैं, वचन कितने होते हैं, ठीक है। और जब आप कर्ता कारक के चिन्हों को और विभक्तियों का ज्ञान होगा तभी आप वाक्यों का प्रयोग कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले वर्ब के अभ्यास यानी कि क्रियाओं का अभ्यास होना चाहिए। तो यहाँ आपने लिट लकार को बड़े ध्यान पूर्वक से सुना, आशा करता हूं आपने यह वीडियो बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनी होगी, ठीक है। तो आइए हम सभी और नए एग्जाम्पल देख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। तो आपका अभ्यास है कमेंट बॉक्स में एक एक एग्जाम्पल लिट लकार का देंगे, कोई भी धातु का, कोई भी धातु आप बना करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हमारी यही समापन की तरफ, आशा करता हूं कि सभी ने अच्छे से देखा है, और अपने मित्रों को भी, अपने मित्र बंधुओं को भी इस वीडियो को दिखाएं, शेयर करें। आशा करता हूं कि सभी इसको आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा वीडियो यही समापन होता है। हमारा चैनल है ओटो एन एजुकेशन, सभी मिलकर के इसको शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जी नमस्ते जी।